ये कि हमारे जो रुके रिजल्ट हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। मेरा पोस्ट कोड 971 है लाइनमैन का, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो जो है विजिलेंस के अंडर उन्होंने किया हुआ है। लेकिन पीछे जैसे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था 980 वालों को कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइनिंग देंगे, कंडीशनल ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उसी बेस पे हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं वो। तो हम यही चाहते हैं कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी है उसको जल्दी से ख़त्म किया जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। एग्ज़ाम कब हुआ था? हमारा एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था सर, और इसकी जो है हमारी डीवी अक्टूबर में हो चुकी थी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आना ही बाकी था। लेकिन पिछले 3 महीने पहले इसमें जो है एक लीकेज पाई गई, जिसमें एक दोषी पाया गया, उसके बाद कई अन्य लीकेज नहीं पाई गई। इससे पहले भी आप मुख्यमंत्री से मिले हैं? सर इससे पहले भी हम कई बार सचिवालय में आ चुके हैं, हमने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार हमें आश्वासन दिया गया। सचिवालय पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आपके सामने खड़े हैं और लगातार हम 20 तारीख से यहाँ पे सचिवालय के चक्कर खा रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार 10 से 12 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं और लगातार आश्वासन के बाद भी सरकार ने हमारे रिजल्ट नहीं निकाले हैं। जैसा कि हमने 20 तारीख को भी डीसी ऑफिस के बाहर एक हड़ताल की थी, उससे बाद भी लगातार 5 दिन से हम शिमला में के चक्कर खा रहे हैं और अलग अलग ऑफिस और अलग अलग माध्यम से हमने सरकार के समक्ष बात रखने की कोशिश की है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है और हमारे रिजल्ट नहीं दे रही है। लगातार हमें 7 मंथ हो चुके हैं और रिजल्ट के नाम पर, रिजल्ट को जांच के नाम पर लटकाया गया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जांच में जब 7 मंथ हो चुके हैं, सरकार 7 मंथ बाद तो निर्णय ले सकती है कि रिजल्ट निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। सरकार के पास हम प्रोविजनल ज्वाइनिंग देने के लिए विकल्प है, लेकिन सरकार ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है हमें ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, जैसा कि हम पिछले 2 दिन से सीएम साहब से भी मिले थे, सीएम साहब ने 2 दिन में हमें कहा था कि हम आपको रिजल्ट निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कब? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कब? 7 मंथ हो चुके हैं और अगर 7 मंथ जो हमारे बर्बाद हो चुके हैं उसका जिम्मेवार कौन है? कितनी दिक्कत आ रही है, जैसे घर में दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सभी को ही है, 7 मंथ से हम चीटेड महसूस कर रहे हैं। लगातार लोग पेपर की तैयारी करते हैं, उससे बाद हम अपने ही रिजल्ट के लिए, अपनी मेहनत के परिणाम के लिए सरकार और सचिवालय के चक्कर खा रहे हैं। जैसे आपने दिक्कत की बात कही, तो दिक्कत हर अभ्यर्थी 5-5, 6-6 साल प्रिपरेशन करके आज पेपर निकले हैं, लेकिन लगातार 7 महीने से हमें आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं और कुछ नहीं है। आज भी हाँ जी, आश्वासन नहीं लेके जाएंगे आज? आज तो जैसे आपको लग रहा है कि 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी है, तो अब तो हम मतलब सेक्रेटरेट के बाहर ही बैठने वाले हैं जब तक सीएम साहब हमारे रिजल्ट नहीं निकालते हैं, तब तक के लिए। और जैसे कि सरकार बोल रही है कि हमने जांच के नाम पर भर्ती को लटका रखा है या रिजल्ट नहीं निकाल रहे, अभी जांच चल रही है। हमारी कुछ दिन 2 दिन पहले विजिलेंस में बात हुई थी, जो एडीजी मैडम है श्रीमती सत्वन अटवाल जी, उन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि जांच और रिजल्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जांच तो 4 या 5 साल अभी चल सकती है, लेकिन क्या 4 या 5 साल के लिए रिजल्ट को लटकाया जा सकता है? ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो हमें प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे। पोस्ट कोड है वो लिटिगेशन? हमारा पोस्ट कोड 962 है और अभी तक एक भी अभ्यर्थी 7 महीने की जांच के बाद इसमें किसी भी अभ्यर्थी की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। हाँ जी, और जो पकड़ा गया है वो अभी तक सिर्फ एक ढाबा मालिक पर FIR हुई है और वो भी जमानत पर बाहर आ चुका है, और उसके ऊपर क्यों FIR हुई है ये हमें नहीं पता है। क्या मानते हैं आप इसके पीछे? हमें लगता है कि सरकार व्यवस्था मतलब संभाल नहीं पा रही है और सरकार शायद मतलब जॉब देना नहीं चाहती है। जैसा कि हम देख ही रहे कि सरकार ने मतलब जब से सरकार बनी है 8 महीने से कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आई है और कुछ भी हो नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि सरकार की शायद एक मतलब सरकार की पार्ट हो सकता है कि सरकार ज्वाइनिंग देना नहीं चाहती अभी, इसी की वजह से सरकार हमें लटका रही है। लगातार हम 5 दिन से शिमला में सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी मतलब सरकार की तरफ से ढंग से एंटरटेन नहीं किया जा रहा है।